नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको कौन बनेगा करोड़पति से संबंधित, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो 9 दिन का रजिस्ट्रेशन होता है या फिर 15 दिन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, और प्रतिदिन एक एक सवाल पूछा जाता है जिसपे प्रतिभागी को जो है उस सवाल का जवाब अपना 24 घंटे के अंदर सबमिट करना पड़ता है, वो आज इस वीडियो में उस पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक व्यूअर्स की तरफ से इसी सब्जेक्ट पर जो है सवाल पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि क्या KBC का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें सोनीलिप ऐप के जरिए जाकर करना चाहिए या फिर हम अपने मोबाइल नंबर के जरिए जो है जाकर वहां पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 9 दिन का रजिस्ट्रेशन होता है या फिर जितना दिन भी रजिस्ट्रेशन चलाया जाए, उस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो प्रतिदिन सवाल प्रतिभागी से पूछा जाता है उसका जवाब हमें सोनीलिप ऐप के जरिए जाकर देना चाहिए या फिर हम अपने मोबाइल नंबर के द्वारा जो है SMS करके वहां पर सेंड कर सकते हैं, इसी पॉइंट पर आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझिए कि KBC का जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप सोनीलिप ऐप के जरिए भी जाकर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो आप सोनी TV देखेंगे और वहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा और वहाँ पे जो सिस्टम बताया जाएगा उस तरीके से जो भी है आप जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका कंफर्म हो गया कि जो मेन KBC के रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो आप सोनीलिप ऐप के जरिए भी जाकर कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी जाकर कर सकते हैं। ये दोनों में कोई भी भेदभाव वहाँ पर नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जो प्रतिदिन सवाल पूछा जाता है वो सवाल सोनीलिप ऐप पर जाकर देना होगा या फिर हम अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट मोबाइल जाकर दे सकते हैं। तो आप दोनों जगह कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोनीलिप ऐप पे करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा और मोबाइल पे करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोनों जगह का जो वैल्यूएशन है वो सेम ही होता है। फर्क क्या हो जाता है कि जो आप सोनीलिप ऐप के जरिए प्रतिदिन सवाल आपसे पूछा जाता है और उसका जवाब जो आप सोनीलिप ऐप पे सबमिट करेंगे तो आपका वहां पे पेमेंट कट नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप जो है जितना दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेगा उस हर सवाल का जवाब जो है बिल्कुल फ्री में जाके आप वहां पे सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर आप उसी सवाल का जवाब आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 SMS का 3 रुपया जो है पेमेंट आपको वहां पे करना पड़ेगा, यानी कि 1 SMS जो KBC के पास आप सबमिट करेंगे, आप उस सवाल का जवाब जो है भेजेंगे तो आपके मोबाइल से 3 रुपया वहां पे कट हो जाएगा। तो फर्क दोनों में एक ही होगा, सोनीलिप ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, भले ही वहां पे आपका नेट डाटा कटेगा, लेकिन अगर वहीं आप मोबाइल के द्वारा करते हैं तो एक सवाल का जो आप जवाब वहां पे सबमिट करेंगे उसका 3 रुपया कटेगा। लेकिन चलिए अब ये दो चीज क्लियर हो गया कि मेन जो व्यूअर्स के मन में यह कंफ्यूजन पड़ा हुआ था कि हमें जो KBC का रजिस्ट्रेशन है या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो सवाल पूछा जाएगा वो सोनीलिप ऐप के जरिए करना चाहिए या फिर हमें मोबाइल नंबर के जरिए करना चाहिए, तो आप दोनों में किसी भी प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मेरे तरफ से सजेशन यही होगा कि आप KBC के रजिस्ट्रेशन से लेकर आप सोनीलिप ऐप से ही जुड़ जाइए, मोबाइल का सिस्टम आप वहां पे छोड़ ही दीजिए। आखिर हम ऐसा आपको क्यों बोल रहे हैं जबकि हम ही आपको पहले बताए हैं कि दोनों फॉर्मेट को आप अपना सकते हैं, कहीं पर भी आपको अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं सोनीलिप ऐप से जुड़ने के लिए कि अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करते भी हैं, वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो जो वीडियो कॉलिंग का प्रक्रिया होता है वो आपको सोनीलिप ऐप के जरिए ही करना होगा, यानी कि KBC में आपका सिलेक्शन दूसरा बार हो भी जाता है तो जो ऑनलाइन ऑडिशन होता है वो आपको सोनीलिप ऐप के जरिए ही जाकर करना होगा। इसलिए अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते भी है और प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जवाब वहाँ पर सबमिट करते भी है, लेकिन जब ऑनलाइन ऑडिशन की बात आएगी तो उस समय आपको सोनीलिप ऐप का ही सहारा लेना होगा। इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि जब आप सोनीलिप ऐप पे ऑनलाइन ऑडिशन के समय शिफ्ट होंगे ही, इसलिए बेहतर होगा कि आप रजिस्ट्रेशन ही सोनीलिप ऐप से कीजिए। एक तो प्रतिदिन जो सवाल का आप जवाब सबमिट करेंगे जिसमें आपका 3 रुपया कटेगा, वो 3 रुपया भी आपका वहां पर सेव हो जाएगा। नेट डाटा थोड़ा सा वहां पर कटता है तो वो कोई उतना महत्व वहां पर नहीं रख जाता है। तो बिल्कुल सोनीलिप ऐप का आप सहारा लीजिए, चाहे वो KBC का रजिस्ट्रेशन हो या फिर KBC का जो वहां पर रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रतिदिन सवाल पूछा जाएगा, हर सवाल का जवाब जो है आप सोनीलिप ऐप के जरिए ही सबमिट कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगा कि अगर आपका वहां पे सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद जो आप ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट करेंगे उसी मोबाइल के जरिए जो है अपना ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट आप दे सकते हैं। तो व्यूअर्स की तरफ से यह सवाल पूछा गया था, उनके मन में यह कंफ्यूजन था कि क्या KBC का जो रजिस्ट्रेशन है और सवाल का जो जवाब है वो सोनीलिप ऐप पर देना उचित होगा या फिर मोबाइल नंबर के देना उचित होगा। तो दोनों का सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, सोनीलिप
ऐप पर भी देंगे तब भी आपका रैंडमाइज अगर सिलेक्शन होगा तो आपको चुना ही जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए एसएमएस करते हैं तो भी अगर आपका नंबर वहाँ रैंडमाइज में सेलेक्ट होगा तो आपको चुना ही जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क यही हो जाता है कि एक आपका मोबाइल नंबर के जरिए करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरा ये हो जाएगा कि अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करते भी हैं तो भी आपको ऑनलाइन जब वीडियो ऑडिशन की बारी आएगी तब भी आपको सोनीलिव ऐप पर ही जाकर शिफ्ट होगा। तो इसलिए जब आप बाद में शिफ्ट होंगे ही उससे बेहतर है कि रजिस्ट्रेशन के समय से ही आप जो है सोनीलिव ऐप से जुड़ जाइए और सोनीलिव ऐप को ही इंस्टॉल करके वहीं से रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहीं से जितना दिन वहां पे सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब दीजिए, और जैसे जैसे आपका सिलेक्शन का प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ता है टोटल की टोटल प्रक्रिया आप सोनीलिव ऐप पे ही कर सकते हैं। इसका मतलब एक चीज समझिए कि केबीसी में पार्टिसिपेट करने का जो पहला सीढ़ी होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से लेकर केबीसी के मंच तक पहुंचने का जो टोटल प्रक्रिया होता है वो पूरा का पूरा प्रक्रिया सोनीलिव ऐप के जरिए ही आप वहां पे फिनिश कर सकते हैं। इसलिए मेरे तरफ से यही होगा कि आप सोनीलिव ऐप पे ही रजिस्ट्रेशन भी कीजिए और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान जितना दिन तक सवाल पूछा जाएगा वो भी आप सोनीलिव ऐप के जरिए ही सबमिट कीजिए।